हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 18 जून है और DHFL पे अपडेट लेके आया था। DHFL में वीकनेस है और आप इससे थोड़ा दूर ही बनाए रखिए अभी टाइम भी, जब तक कि बैंक्स क्लैरिटी नहीं आ रही है, फंड के बारे में क्लैरिटी नहीं आ रही है। ये आपको 48 पहला सपोर्ट लेगा और वो तोड़ता है तो 23 तक जाते हुए आपको दिख सकता है। ये तो 48 तक का लेवल आपको जो है वो नया हाई लो बनाते हुए आपको दिखेगा, तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं रहेगा। चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे इसको 48 एक रेंज देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट लेना चाहिए इसको। अभी ये जैसा फॉल कर रहा है, कंटिन्यू फॉल है और इसमें वीकनेस वॉल्यूम के साथ सेल हो रहा है, तो ये वीकनेस अभी कंटिन्यू रहेगा। शॉर्ट टर्म में आप देखें तो इसको एक बार यहाँ पे जहाँ पे है वहाँ पे 64-68 के पास लो, 62 यहाँ पे है सपोर्ट, लेकिन ये सपोर्ट को आपको तोड़ते हुए दिखेगा और ये आपको 48 के आसपास यहाँ पे जो सपोर्ट है जो इस लेवल पे बताया आपको, इस लेवल पे जा करके यहाँ पे एक सपोर्ट उसको लेते हुए दिखेगा। तो 48 के रेंज में अगर 48 टूटेगा तो 21 का रेंज, लेकिन अभी इसमें ऐसा कुछ भी होते हुए दिख नहीं रहा। अगर वॉल्यूम ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पे 3-4 करोड़ की वॉल्यूम हो रही है और 51 लाख 4 हज़ार के आसपास की डिलीवरी हो रही है, 11% की डिलीवरी हो रही है। लेकिन आप देखेंगे वॉल्यूम वेटेड एवरेज से तो 69 की जगह 64 की क्लोजिंग दिया है, अभी भी वीकनेस कंटिन्यू है और ये कंटिन्यू आपको 113 से फॉल करते हुए ही आ रहा है। मीन्स डिलीवरी बेस्ड सेलिंग कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। इन आज के अगर डेरिवेटिव पोजीशन को देखें तो उसमें ऐसा लगता है कि अब आप देखेंगे अगर 64 DHFL क्लोजिंग हुआ 64.70 पे, तो एट द मनी अगर इसके देखने 60 देखने की कोशिश करें तो कॉल साइड में पोजीशन बन रही है 60,000 और 1,20,000 के न्यू शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बन रहा है 60 पे भी, और यहाँ पे पुट की और हर पोजीशन पे अनवाइंड हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे जो भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है ले रहे हैं, तो हो सकता है कि टाइम भी ये आपको 50 के पास 3,28,000 का अच्छा सपोर्ट है, ये अभी टूटते हुए आपको नहीं दिखे 50 के आसपास, 48 के आसपास, लेकिन आगे ये टूटता हुआ भी दिख सकता है। तब इसमें कॉशियस पोजीशन बनाएं और इसका 50 का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है आप 3 रुपया है, इसकी लॉट साइज जो है 1500 है, तो अगर आप देखेंगे तो अभी भी इसमें इस पुट साइज में भी मिनिमम लोवेस्ट 9 रुपया था, 3 रुपया का हाई बनाया है, तो आप यहाँ पे कोई भी पुट का ऑप्शन पेपर ट्रेड करते हुए अब देख सकते हैं। तो दीवान हाउसिंग में हो सकता है आपको 48 का लेवल देखने को मिले, जो आज 64.95 NSE पे और 65.5 DSE पे काम करते हुए दिख रहा है, और इन सब की फाइनेंशियल पोजीशन अभी सुधारते हुए नहीं दिखेगी क्योंकि बैंक्स की फाइनेंशियल पोजीशन और जो क्रंचेज है वो अभी सुधारता हुआ नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है ये आपको 50 के आसपास दिखा है, वहाँ से जंप ले ऊपर नीचे करे, 50 to 70 के रेंज में भी रहे, लेकिन अल्टीमेटली इसको एक बार नीचे तोड़ के जा सकता है और 22-28 का जो लेवल है वो आपको टच करते हुए दिख सकता है। तो दीवान हाउसिंग में जो भी पोजीशन बनाए कॉशियसली बनाए, और वीकली बेसिस पे देखें, मंथली बेसिस पे तो अभी भी इसमें जो है अभी 31 का है, मतलब अभी भी ओवरसोल्ड पोजीशन बना सकता है और ओवरसोल्ड पोजीशन नहीं है। और अगर डेली बेसिस पे भी देखें तो यहाँ पे 11 तक के लेवल को टच कर सकता है, तो दोनों लेवल देखिए 11 के लेवल को टच करते हुए देख सकता है और ऊपर 23 के लेवल अभी जहाँ पे है वो 23.95 के RSI पे बता रहा है। तो यहाँ पे वीकनेस आपको देखे, हो सकता है ये वीकनेस फर्दर आपको देखते हुए मिल सकता है। तो दीवान हाउसिंग पे एक कॉशियस पोजीशन है, टारगेट 48 का हो सकता है और 48 के बाद ये आपको वापस नीचे की ओर 28 तक भी जा सकता है। तो दीवान हाउसिंग में कोई भी पोजीशन नहीं बनाए, अगर बनाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही बने। वीडियो देखने के लिए बहुत